हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। और दोस्तों इस स्टॉक में आजकल हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरावट का फिगर देखने को मिल रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे रेड फिगर हमें देखने को मिला। हालांकि ये स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जब से लिस्टेड हुआ था वहाँ से इस स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग तरीके से मुनाफा दिया था। यानी कि दोस्तों 500 के आसपास में इसका लिस्टिंग प्राइस था, वहाँ से इसका प्राइस में 1500 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिला था। हालांकि वहां से इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरावट देखने को मिला, जिसकी वजह से इसका प्राइस 1000 के निचले स्तर पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों इंटायर आईटी सेक्टर में गिरावट है, जिसकी वजह से इस स्टॉक ने भी स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरावट शो किया है। हालांकि स्टॉक हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो चलिए इस स्टॉक से हम सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे पिछली वन मंथ का इसका प्राइस का ग्राफ का। तो पिछली वन मंथ में इस स्टॉक में 2% के आसपास का ओनली गिरावट शो किया है, जो कि कोई खास है ही नहीं। हालांकि पिछले 6 मंथ की बात करेंगे तो पिछले 6 मंथ में यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ पे हमें रैली का फिगर देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों पिछले 1 साल की बात करेंगे तो पिछले 1 साल में भी इस स्टॉक में ओनली 4% के आसपास का गिरावट है, जो कि कोई खास है ही नहीं। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे सबसे अधिक दिनों का इसका प्राइस का ग्राफ का। तो स्टॉक 2020 के सितंबर में लिस्टेड होते हुए देखने को मिल रहा है। और दोस्तों वहाँ से इसका प्राइस हमें रफली 1500 के क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिला था। और दोस्तों वहाँ से इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। हालांकि फिर से आजकल हमें थोड़ा सा यहाँ पे रैली का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस फिर से हमें 1500 के क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से हैप्पीएस्ट माइंड के रिगार्डिंग, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे 14,000 करोड़ से अबव का फिगर है, जो कि एक मिड कैप से बिलोंग करता है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे इसका 50 हाई का, तो इसका प्राइस हमें 1100 रुपये क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिला। हालांकि ये इसका प्राइस हमें 750 रुपये के आसपास आते हुए देखने को मिला था। और दोस्तों स्टॉक पीशू की बात करेंगे तो यहाँ पे 65 से अबव का है, जो कि इंडस्ट्री के पीशू की बात करेंगे तो यहाँ पे ओनली हमें 37 से 38 का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जो इसका प्राइस है यहाँ पे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों हम बात करेंगे इसका रिटर्न इक्विटी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा फिगर है। रिटर्न कैपिटल इम्पैक्ट का फिगर भी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे इसका फेस वैल्यू का, तो यहाँ पे हमें 2 रुपये का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक में यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग का, तो 53% से एबव का है, जो कि अपने आप में अच्छा खासा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 7% के आसपास में प्रमोटर का शेयर यहाँ पे हमें प्लेस देखने को मिल रहा है। हालांकि ईपीएस की बात करेंगे तो यहाँ पे 14 के आसपास का इसका ईपीएस है। और दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 0.66 का फिगर है, जो कि कोई खास डेप्ट है नहीं। और दोस्तों बात करेंगे फ्री कैश फ्लो का, तो ये भी फिगर अपने आप में अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अपने आप में अच्छा खासा है, इसका प्राइस थोड़ा सा हमें ओवर वैल्यूड फिलहाल देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका बात करेंगे क्वार्टरली सेल्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो एवरी क्वार्टर का सेल्स का फिगर अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, कोई गिरावट है नहीं दोस्तों क्वार्टर के सेल्स में। और दोस्तों बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी फिगर अपने आप में स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट का फिगर कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे इसका ईयरली सेल्स के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो एवरी ईयर का सेल्स का फिगर स्ट्रॉन्ग है, और इस साल का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें सेल्स का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रिगार्डिंग इसका ईयरली, तो ये भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है और इस साल का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट का फिगर भी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों बात करेंगे इसका सेल्स ग्रोथ का, तो यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ का फिगर देखने को मिल रहा है। इसका प्रॉफिट ग्रोथ का फिगर भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे जिस तरीके से हमें रिजर्व एंड सरप्लस का फिगर देखने को मिल रहा है
यहाँ पे देख सकते हो एवरी ईयर का अच्छा खासा फिगर है और इस साल का सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमें फिगर देखने को मिल रहा है। ब्रुइंस की बात करेंगे तो ये भी अपने आप में अच्छा खासा है। और दोस्तों हम बात करेंगे फिक्स एसेट के रिगार्डिंग, तो फिक्स एसेट का फिगर भी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी इस स्टॉक में प्रमोटर का होल्डिंग 53% से एबव का है। और दोस्तों एफआई के होल्डिंग की बात करेंगे तो ये भी अच्छा खासा है। डीआई की होल्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे 1% के आसपास का होल्डिंग है। और दोस्तों रिटेल की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्डिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डअप ट्रेंड भी अपने आप में रफली अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट का फिगर देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हमें 880 के आसपास में आते हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस हमें 1500 की भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। स्टॉक अपने आप में अच्छा खासा है, हालांकि आजकल थोड़ा सा इसका प्राइस हमें ओवर वैल्यूएशन इसका देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत हमें गिरावट का फिगर देखने को मिले। हालांकि ये स्टॉक अपने आप में स्ट्रॉन्ग है।